नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम का बाट उपयोग करता है और वह इसे 40% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, अगर वो 1 किलो के बाट की बात कर रहा है तो 1 किलो बाट यानी 1000 ग्राम, ठीक है, और इसके ऊपर वो 4% का लाभ भी ले रहा है, तो 1000 का 4% कितना होता है? 40, यानी 40, 4% कितना होगा? 40, तो बेचा उसने कितने का? 1040 का, ठीक है। दूसरा क्या है, 1000 ग्राम की जगह उसने कितना ग्राम यूज किया? 940, यानी यहाँ पे 940। अब 940 से उसने बेचा कितना? 1040, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? 100 यूनिट का, ठीक है। तो 100 यूनिट का प्रॉफिट किसके ऊपर, यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट 940 के ऊपर इंटू 100, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1000/94 तो सीधा 10 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 10 पे जाएगा तो बचा कितना? 10 पे जाएगा तो 940, 60 बच गया, ठीक है ना, ये 60 बच गया। अब 1 0 और लगाऊंगा तो ये डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो 94 छीका यानी 6 पे जाएगा तो 600 के करीब रहेगा, मतलब 600 से थोड़ा कम रहेगा, और यहाँ पे जो डेसिमल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, 10.64 इसके लगभग करीब है, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है,